अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर राकिनी नायक ने प्रेस वार्ता की है, जहां उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े सवाल पर कहा कि वो चुनाव हार रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। अब देखिए किसके बेटे को मिला नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी ने किसको टिकट दिया नहीं दिया, सब गौण है। कौन लड़ रहा है वहां से गौण है। आज जो रिपोर्टर फील्ड में जाकर जनता की नब्ज को टटोल रहे हैं, वो बहुत अच्छे से जान रहे हैं कि चाहे वो राकेश सिंह हो सांसद चुनाव हार रहे हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो टेलीविजन बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, मोबाइल फोन बांट रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो नरेंद्र सिंह तोमर हो जिनके इतने बड़े बड़े बंडाफोड़ हो रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं, चाहे वो विश्वास सारंग हो चुनाव। तो मैं तो ये कह रही हूँ कि आज जनता ये देख रही है कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी खड़ा है उसे हराना है। वो कौन है अब इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज कर दिया जा चुका है। कांग्रेस का पंजे का निशान जो है उसी पर बटन दबेगा, कमलनाथ जी की सरकार आएगी। वहीं रागिनी नायक ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर के वायरल वीडियो मामले पर कहा कि प्रधानमंत्री को मौन तोड़ना चाहिए, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो ईडी सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। देखिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि बार बार ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की, हवाला ट्रांजैक्शन की और काले धन की हेरा फेरी की बातें होती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी क्या सत्यता है, क्या सच्चाई है, क्या ये वीडियो सही है? नहीं है तो मोदी जी या शिवराज सिंह चौहान या नरेंद्र सिंह तोमर खुद क्यों नहीं चुनाव आयोग के पास जाते और कहते कि हमारे ऊपर गलत आरोप और लांछन लग रहा है, इसकी सत्यता स्थापित करिए और जिसने गलत काम किया उसे अब जेल की सलाखों के पीछे डालिए। वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि शायद चोर की दाढ़ी में तिनका है और यही कारण है कि आप उनसे पूछेंगे तो वो कह देंगे जी हमने कुछ नहीं किया। पर आप खुद सोचिए कि 500 करोड़ रुपये महीना अगर लिया और दिया जा रहा है तो इसके तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं। अगर बेटा 500 करोड़ हर महीने की बात कर रहा है तो पिता जो स्वयं मंत्री रह चुके हैं, इस्पात और खनन मंत्री भी रह चुके हैं, वो क्या क्या करामात कर सकते होंगे। और मुझे तो पता चला कि वो घोषणा पत्र वाले दिन आए ही नहीं, वो खुद ही शायद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। तो ईडी कहाँ है, सीबीआई कहाँ है, आईटी डिपार्टमेंट कहाँ है? विपक्ष के नेताओं के ऊपर और चुनाव के दौरान विपक्षी दलों के तमाम नेताओं के ऊपर तो खूब छापेमारी होती है। 2014 से लेकर आज तक 95% ईडी की छापेमारी जो हुई है वो विपक्षी नेताओं पर हुई है, पर आज मोदी जी ने ईडी और सीबीआई को कैद करके रखा हुआ है। तो ये चुप्पी जो है वो क्या किसी सहमति, किसी संरक्षण या संलिप्तता की तरफ इशारा कर रही है, ये जनता जानना चाहती है। रागिनी नायक ने आरोप लगाए हैं और कहा है कि आज मोदी जी ने ईडी सीबीआई को कैद कर रखा है। भोपाल से मृदुभाषी के लिए रश्मि जैन की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छी है ना, फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा, अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार।